नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज बात करने वाले हैं हम एक पंजाब के कॉलेज के ऊपर, यार चितकारा यूनिवर्सिटी। मैंने ऑलरेडी आपके काफी सारे पंजाब के कॉलेजेस कवर कर रखे हैं, जैसे कि पेक, एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, थापड़ यूनिवर्सिटी, तो यार इनके बारे में पूरा रिव्यू कर रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके अलावा यार एनआईडीज, ट्रिपल आईडीज और आपके काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी कवर्ड हैं, तो यार कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। तो यार इसी चक्कर में जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और फिर बिना किसी देरी के यार स्टार्ट करते हैं इस कॉलेज का रिव्यू। तो यार चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर है यार आपका, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, जो कि यार बहुत ज्यादा नया कॉलेज है आपका। इसके मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो यार आपको सिर्फ 12th में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपका 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप स्ट्रीम यार चाहते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो स्ट्रीम आपको अलॉट करते हैं मोस्टली, तो यार आपको एडमिशन किसी भी पर्टिकुलरली स्ट्रीम में मिल जाता है। अब यार देखते हैं फर्दर कोर्सेज क्या क्या आते हैं इसके अंदर। तो यार यहाँ पे हम इनकी वेबसाइट पे ही जाके चेक करते हैं, तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्सेज इनके पास दुनिया भर के हैं। आप चाहे यार इंजीनियरिंग कर लो, चाहे बिजनेस अकाउंटिंग कर लो, चाहे हॉस्पिटैलिटी, अप्लाइड इंजीनियरिंग, BCA वगैरह, नर्सिंग, तो यार जो भी आपको कोर्स चाहिए आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बट हम जो यार इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो मोस्टली यहाँ पे जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, यार 4 ईयर आपके BTech कोर्सेज, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो यार ये यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम मोस्टली इन्हीं कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो सीट मैट्रिक्स इन्होंने कहीं पे भी रिवील नहीं कर रखा है, बट मेरे जो यार कुछ दोस्त यहाँ पे पढ़ते हैं उनके थ्रू मेरे को पता लगा है CSE में ही अराउंड 2000 के आसपास यार लास्ट ईयर इन्होंने बच्चे लिए थे, तो आप गेस लगा सकते हो कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे। ओवरऑल अराउंड यार आपका 4000 से ऊपर या 4000 के आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं। तो यार ये सारी बातें होगी आपकी एडमिशन रिगार्डिंग। तो यार यहाँ पे मैं अब आपको बता भी देता हूँ कि आपको एडमिशन के लिए करना क्या होगा, क्योंकि अभी भी एडमिशन ओपन है, तो यार जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आप यार यहाँ पे जाके एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यार ये स्क्रीन खुलेगी और आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर यार आप इनके कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर जहां पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिलता है वहां से जाकर आप ले लो, या फिर आपको यार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोविड का सीजन है, घर पे बैठे रहो चुपचाप और यहीं से यार आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहां से यार प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। सपोज हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं यार, तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहां से आपको यार सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पे यार आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी, और जो भी आपकी फीस वगैरह रहेगी वो मिल जाएगी। इसके बाद आप यहां पे जाकर यार सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। ये क्लिक करोगे तो आपके पास यार ऐसी स्क्रीन खुलेगी, आपको लॉगिन वगैरह करना है सब कुछ, वहां पे आप सब कुछ यार अपना सबमिट कर दोगे, डाटा वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आप अप्लाई कर पाओगे और आपका एडमिशन घर पे बैठे बैठे यार हो जाएगा। बाकी यार आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आपके, 15% सीट रिजर्व रहती है यार पंजाब के कॉलेज के अंदर आपकी, जो कि पंजाब रीजन कैंडिडेट्स के लिए रहती हैं। उसके अलावा आपकी कुछ सीट्स यार रिजर्व रहती हैं कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, और बाकी जो भी आपकी रिजर्वेशन आती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है यार। तो ये सारी आपकी रिजर्वेशन होगी कुछ। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर लेते हो और आपको यार बाद में कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो यहाँ पे आपके रिफंड के रिगार्डिंग भी डिटेल्स दी हुई हैं कि यार कितने दिन बाद आपको कितना परसेंट रिफंड मिल जाएगा, तो आपको वो भी पता लग जाएगा। साथ के साथ यार यहाँ पे आपकी कुछ चीजें दे रखी हैं जो आपको चाहिए होंगी, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करते वक्त चाहिए होंगे वो सब यहाँ पे दे रखे हैं यार, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। प्लस आपका यार यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता रखा है। इसके अलावा एक मेन चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे यार यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ती है स्टूडेंट्स को सारे वर्किंग डेज में, तो ये एक यार बहुत ज्यादा अजीब चीज मेरे को जो लगी आज के कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से तो यार मैंने जितने भी कॉलेज रिव्यूज किए हैं वहां पे किसी भी कॉलेज के अंदर यार यूनिफॉर्म नहीं थी, बस इसी कॉलेज के अंदर है। तो यार फर्दर मूव ऑन करते हैं आप प्लेसमेंट्स के ऊपर, जो कि मेन चीज रहने वाली है, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आप लोगों का कि आपको इस कॉलेज के अंदर जाना है नहीं जाना है।
तो यार प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने काफी सारी डिटेल्स आपके लिए कलेक्ट की हैं और आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। हाईएस्ट पैकेज जो इस साल गया यार, अभी तक जितनी भी प्लेसमेंट्स हुई हैं वो मेरे को पता लगा है अपने फ्रेंड से यार, तो वो है आपका 30 LPA जो कि काफी सही है। बट यार यहाँ पे वही कैच रहता है कि काफी ज्यादा आपकी मास रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं और मोस्टली यार प्लेसमेंट्स आपकी वहीं पे होती है। बट हम यार पूरा डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें अब यार लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज तो था यार 22 LPA जो कि यार ठीक ठाक है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, इतना ज्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। एवरेज पैकेज की बात करें, जो चीज मेन रहेगी यार आपकी एवरेज या मीडियन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे रहता है 4 to 6 LPA क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेजर यार यहाँ पे मास रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं जो कि यार हायर करती हैं स्टूडेंट्स वगैरह को, फ्रेशर्स को। तो यार ये आपका एवरेज पैकेज रहता है। अगर आपके पास यार CSE ब्रांच है तो थोड़ा सा यार मैं आपको कहूँगा कि एवरेज पैकेज ज़्यादा जाता है, बट बाकी सारी ब्रांचेज अगर देखें तो उनके अंदर यार 4 to 6 के बीच में ही रहता है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो CSE के लिए जाता है 5 to 6 के बीच में, 7 के बीच में आपका एवरेज पैकेज। बाकी जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं आपके, वो 80 to 85% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं जो कि एक काफी अच्छा नंबर है अगर इनकी एस्टेब्लिशमेंट देखी जाए तो। यार काफी सही नंबर है कि इतने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं, बट देन अगेन वही बात है कि आपकी मास रिक्रूटमेंट कंपनीज लेके जाती हैं आपको 4 लाख या फिर 5 लाख के पैकेज के अंदर, जो कि इतना अच्छा पैकेज नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यार वीडियो यहां तक देख लिया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसी और बढ़िया कॉलेज रिव्यूज लाता रहूंगा। अब यार पॉइंटर की बात करें कि क्या सेफेस्ट पॉइंटर रहेगा जिससे आप सारी कंपनीज में बैठ सको, सारे कंपनीज के कोडिंग राउंड में बैठ सको, तो वो रहता है आपका 7.5 प्लस पॉइंटर जो कि यार आप इजीली ग्रैप कर पाओगे क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं रहते हैं इनके एग्जाम्स वगैरह। तो यार ये आपका पॉइंटर रहेगा। अब यार बात करें मेन चीज आपकी इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स यार यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं बट इतनी ज्यादा नहीं, आपको यार मोस्टली ज्यादा बाहर ही देखना पड़ेगा, स्टार्टअप्स वगैरह देखने पड़ेंगे बाहर और उनमें अप्लाई करने पड़ेगा यार खुद जाके ताकि आपको इंटर्नशिप मिल सके अच्छी। यार लास्ट में आपकी कंपनीज देख लेते हैं कि कंपनीज क्या क्या आती हैं। तो मेन कंपनीज की बात करें तो यार अमेजॉन, ओरेकल, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, IBM, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, यार ये वाली कंपनीज आती हैं इसके अंदर। मैंने आपको जो बड़ी बड़ी यार कंपनीज है वो भी बता दिया और जो मास रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं वो भी बता दिया आपको। तो यार मेन चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको टॉप के 4-5% स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा ताकि आप अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सको। साथ के साथ यार आपको स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी और CGPA भी अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि यार दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनती हैं लास्ट में जाकर यार जब आप प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जब भी कंपनीज आती हैं वो यार आपके CGPA भी देखेंगी, स्किल्स भी देखेंगी, वो हर एक चीज यार देखती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो आपको दोनों चीजें यार मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो यार ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इसके बारे में और अब यार फर्दर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव ऑन करते हैं। तो यार यहां पे आपको देखोगे तो कैंपस इनका 50 एकर्स का है जो कि काफी सही है। अगर हम यार बाकी कॉलेजेस से देखें तो 50 एकर्स ठीक ठाक है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा, इतना ज्यादा बेकार भी नहीं। क्लास लैब्स, लाइब्रेरीज यार आपकी स्पेशियस वगैरह रहेंगी, काफी सही रहती हैं। प्रोजेक्टर्स वगैरह आपके क्लासेस में लगे होते हैं तो काफी अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसकी फैसिलिटी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा आपको वाईफाई एनेबल्ड कैंपस मिल जाएगा जिसकी स्पीड यार ठीक ठाक रहती है, इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं बोलूंगा, बट आपका काम मोस्टली यार टाइम्स चल जाएगा उससे। स्पोर्ट्स की बात करूं तो यार मेजर स्पोर्ट्स आपको सारे मिल जाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम, कैरम, चेस, पूल भी मिल जाएगा यार। तो ये सारे स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यार फर्दर बाकी चीजें देखें तो फैकल्टी इनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक फैकल्टी होती है, मिक्सचर ही रहता है मोस्टली आपका। काफी ज्यादा आपको यार बेकार फैकल्टी भी मिलेगी, काफी ज्यादा अच्छी भी मिलेगी, तो यार मिक्सचर ही रहेगा वो चीज में। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी बट इतनी ज्यादा भी नहीं, इतनी कम भी नहीं यार, ठीक ठाक रहती हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखो तो यार ये रिसर्च का इनके पास रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क है पूरा, तो यार यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आपको यार ये पेटेंट्स वगैरह इन्होंने जो कर रखे हैं उसके बारे में बता रखे हैं यहाँ पे, और जो यार इन्होंने कई जगह पे पार्टिसिपेट किया है वो बता रखे हैं यहाँ पे, इनके यार जो भी आपकी पब्लिकेशंस वगैरह हुई हैं वो बता रखे हैं लेटेस्ट। तो यार ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी यार रिसर्च रहती है यहाँ पे। इसके अलावा यार स्टार्टअप कल्चर को भी थोड़ा बहुत प्रमोट किया जाता है, आपको इनोवेशन इनक्यूबेटर मिल जाएगा
जिससे यार आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये इनकी वेबसाइट पे जाके आप देखो तो यार यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सारा क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। और साथ के साथ यार ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ से यार स्टार्ट हुए हैं, तो यार ये आप जाकर देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे। इन सारी चीजों का यार लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यार चेकआउट कर सकते हो। इन सब चीजों के अलावा यार आपको स्टेशनरी शॉप, जेरोक्स शॉप और बाकी जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगी। कैंटीन और कैफेटेरिया की बात करें तो यार आपको टक शॉप्स वगैरह, नेस्कैफे, अमूल और यार काफी सारे आपके फूड कोर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है कैंपस के अंदर। तो आपको यार अगर मेस में पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो। इन सब चीजों के अलावा आपको हेल्थ सेंटर, एटीएम और बैंक भी कैंपस के अंदर मिल जाएगा। तो यार ये सारी बात हुई इनके यार कैंपस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो यार मैंने आपको बता दिया है। और यार ये स्कॉलरशिप के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, तो यार इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना जिसको भी स्कॉलरशिप्स के बारे में देखना है। अब यार मूव ऑन करते हैं आपके फी स्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यार मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अब इनका अगर फी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए यार आपकी 82,000 पर सेमेस्टर की फीस रहती है। साथ के साथ यार ये 10,000 भी इनकी फीस जाती है, तो यार आपकी 92,000 ओवरऑल फीस रहेगी एक सेमेस्टर की। ये यार आपकी इंस्टीट्यूशन की फीस है। अगर अब हम बात करें यार हॉस्टल फीस के बारे में, तो हॉस्टल फीस के बारे में भी यार ये सब इन्होंने बता रखा है। आपको हॉस्टल के अंदर यार ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बेड, मैट्रेसेस वगैरह, स्टडी टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ के साथ यार 30,000 आपकी रहती है 4 सीटर के लिए, 31,000 3 सीटर के लिए, 34,200 2 सीटर के लिए, ये यार आपकी पर सेमेस्टर की फीस है। साथ के साथ यार आपका 3,000 रुपीज जाता है लॉन्ड्री सर्विस के लिए और 5,000 जाती है कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होती है लास्ट में। तो यार ये आपकी ओवरऑल हॉस्टल फीस रहेगी। तो यार आपको जो भी रूम चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको सारे तरह के रूम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यार मेस के बारे में बात करें तो मेस की फीस के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। आपकी मेस की फीस रहेगी 14,000 पर सेमेस्टर, बट आपके पास यार ऑप्शन होगा आप मेस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। अगर यार आपको मेस नहीं पसंद आती है तो आप बाहर से यार अपना डब्बा वगैरह भी लगवा सकते हो, तो आप यार फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राई कर सकते हो मेस को, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको पसंद आती है तो ले लेना, नहीं तो यार बाहर से आप डब्बा वगैरह लगवा सकते हो। तो यार ये सारी बातें होगी आपकी फी स्ट्रक्चर के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, इंस्टीट्यूशन फी, हॉस्टल फीस। अब यार जो मेन चीज एक रहेगी या हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल के बारे में यार आपको पता होना चाहिए, आप वहां पे 4 साल बिताने वाले हो। हालांकि यार मोस्टली लोग जो आते हैं आपके पंजाब से होते हैं तो वो हॉस्टल नहीं लेते हैं, बट स्टिल अगर आप यार कहीं और से जा रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो यार हॉस्टल के बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके टोटल 6 हॉस्टल्स हैं, जो कि काफी सही चीज है यार। गर्ल्स बॉयज रेशियो की यहाँ पे बात करूं तो 1:3, 1:4 के बीच में रहता है यार, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा रेशियो है। आपको यार तीनों तरह के रूम्स मिल जाएंगे, डबल, ट्रिपल या 4 शेयरिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो। साथ के साथ यार कॉमन वॉशरूम की बात करूं तो इतने ज्यादा क्लीन नहीं होते, आपके ठीक ठाक क्लीन रहते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी यार आपकी एवरेज रहती है, ज्यादा अच्छी भी नहीं, ज्यादा बेकार भी नहीं, जैसे यार आपकी कैंपस के अंदर रहती है वैसी आपकी सेम हॉस्टल के अंदर भी रहेगी। लॉन्ड्री सर्विस मिल जाती है यार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लॉन्ड्री लेते हो नहीं लेते हो, तो यार वो सर्विस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मेस फूड की बात करूं तो यार ठीक ठाक रहता है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं, इतना ज्यादा बेकार भी नहीं, बट आप यार फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राई कर सकते हो अपनी मेस को, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा यार, आप चाहे अगर पसंद आता है आपको तो फिर आप मेस के लिए ही अप्लाई कर देना, नहीं तो आप नेक्स्ट सेम से यार बाहर से डब्बा वगैरह भी लगवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो यार कैंटीन्स वगैरह आपको मिल जाएंगी रात को यार 10 बजे तक, जब तक हॉस्टल टाइमिंग रहता है, उसके बाद यार कैंटीन्स वगैरह भी क्लोज हो जाती हैं। कर्फ्यू टाइमिंग की बात करूं तो यार कर्फ्यू टाइम गर्ल्स के लिए रहता है 9 PM और बॉयज के लिए रहता है 10 PM, तो यार ये आपका कर्फ्यू टाइम रहता है। तो यार ये सारी बातें हमने कर ली हैं हॉस्टल के बारे में। इन सब चीजों के अलावा अब जो एक चीज रह गई है, आपके फेस्ट, क्लब्स और अटेंडेंस का क्या रूल रहता है, तो यार उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनके यार 2 मेन फेस्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्लोर जो कि यार टेक्नो कल्चरल फेस्ट रहता है, उसके बाद यार आपका एक और जो फेस्ट होता है वो है रंगरेस, जो कि एक नेशनल थिएटर फेस्ट रहेगा, जो कि काफी अच्छा फेस्ट होता है यार, बहुत दूर दूर से लोग इस फेस्ट को देखने आते हैं। क्लब्स की बात करूं तो यार आपको बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे, जो भी यार आपको क्लब मिलता है घुस जाना, एक्सप्लोर करना यार चीजों को, एक्सपोजर लेना जितना ज्यादा ले सकते हो। कुछ क्लब्स के नाम लूं तो म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, आर्ट क्लब, रोबोटिक क्लब, ये सारे क्लब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
अटेंडेंस की बात करूं तो यार स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रहती है आपकी थोड़ी बहुत 75%, बाकी यार आपका टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन टीचर आपको अटेंडेंस दे देगा कौन टीचर नहीं देगा, तो यार वो आपको जाके देखना पड़ेगा। तो यार सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर कर लिए आप लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस, कोर्सेज वगैरह सारी चीजें आपको बता दी हैं। लास्ट में यार मैं एक कंक्लूजन देता हूं आपको कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको यार टॉप के 5-10% स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन कंपनीज आती है ना आपकी वो आती है यार 4-5-6 LPA के आसपास की, तो अगर आपको यार 15 LPA 10 LPA से ऊपर का पैकेज लेना है तो यार वो काफी कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ग्रैब करते हैं। तो अगर आप यार टॉप के 5-10% स्टूडेंट्स में रहोगे तभी यार आप वो पैकेज ग्रैब कर पाओगे। तो यार मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको यार टॉप के स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए। तो यार यही मेरा कंक्लूजन था आप लोगों को, जो मेरे को बताना था लास्ट में। अब यार अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, अगर यार सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो यार वो नीचे जो लाल बटन है उसको दबा देना, साथ के साथ यार घंटी भी दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं यार नई वीडियो अपलोड करूं। और यार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो भी आपको डाउट है या फिर किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप लिख देना, मैं कोशिश करूंगा यार जल्दी से जल्दी वो कॉलेज भी कवर करने का। साथ के साथ यार आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो यार इंस्टाग्राम पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहां पे आप लोग यार मेरे को DM कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी यार सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो यार यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे किसी बढ़िया से नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू में, टाटा सी यू बाय।